बच्चों, चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे इंग्लिश वर्कबुक। ये आपकी वर्कबुक की बुक है ना, इसको ओपन कर लेंगे। पेज नंबर 7 ये ओपन करेंगे। प्लेइंग विथ होमवर्क, ठीक है, प्लेइंग विथ होमवर्क। चलो मैं इसको पढ़ रहा हूँ। चेतन हेटेड डूइंग होमवर्क। चेतन जो है वो अपने होमवर्क को करने से नफरत करता है, उसको पसंद नहीं है होमवर्क करना। ही वुड जस्ट सिट एट हिज डेस्क, वो बस अपनी टेबल पे बैठता है, एंड स्टेयर एट द बुक्स, और बुक्स को निहारता रहता है, देखता रहता है। इन फ्रंट ऑफ हिम, जो उसके सामने पड़ी होती हैं, है ना। वन डे व्हेन चेतन सेट डाउन टू डू हिज होमवर्क, some elves came out from under his table. Chetan was surprised to see them. एक दिन जब चेतन अपनी डेस्क पे बैठा हुआ था होमवर्क करने के लिए, तो कुछ काल्पनिक बौने, है ना, उसकी टेबल के अंदर से निकले। चेतन उन्हें देखकर चौंक गया। Hi Chetan, said little elf. Gives us your homework, we will play with it. उन्होंने बोला, चेतन हाय, है ना, अपना होमवर्क हमें दो, हम उसके साथ खेलेंगे। चेतन लाफ, चेतन हंसा। How can anyone play with homework? कोई कैसे होमवर्क के साथ खेल सकता है? He thought, उसने सोचा। He gave his book and notebooks anyway. उसने बोला, चलो दे देते हैं उसको अपनी, उसने बुक्स और नोटबुक्स दे दी। The elves made two teams. One team did mathematics. तो जो बौने थे उन्होंने दो टीम बनाई। एक टीम जो थी वो मैथमेटिक्स कर रही थी। They reached to see who solved the sums first. वो जो टीम थी वो देख रही थी कि कौन सबसे पहले सम करता है। The other team did the English homework. और अगली टीम जो थी वो इंग्लिश होमवर्क कर रही थी। दे प्लेड द कैरेक्टर इन द स्टोरी, जो उसके अंदर स्टोरी के अंदर कैरेक्टर थे उनको वो प्ले कर रहे थे, नाटक कर रहे थे। एंड स्टार्टेड रीडिंग अलाउड, और जोर जोर से रीडिंग कर रहे थे। इट वॉज सो फन, ये तो बहुत मज़ेदार था। सून चेतन्स होमवर्क वॉज डन, जल्द ही चेतन का होमवर्क कम्प्लीट हो गया। चेतन थैंक्स द एल्व्स फॉर टीचिंग हिम, चेतन ने उन बौनों को धन्यवाद किया टीचिंग हिम हाउ टू इन्जॉय डूइंग हिज वर्क, होमवर्क को इन्जॉय करने कैसे किया जाए ये सिखाने के लिए उसने उनको धन्यवाद दिया। सिंस देन ही हैज़ नेवर हेटेड डूइंग होमवर्क, उसके बाद से फिर वो कभी भी होमवर्क से नफरत नहीं करता था। आप लोग नफरत करते हो क्या होमवर्क से? नहीं, होमवर्क करने में तो मज़ा आता है ना। तो चलो हम लोग आगे का काम करते हैं, ये टिक करना है। What did Chetan hate? He hated the little elves. नहीं, he hated doing his homework. He hated his desk. He hated playing. नहीं, वो अपना homework करने से उसको नफरत थी, है ना, उस पर टिक लगा दिया। Where did the little elves come from? They came from under Chetan's table. यहाँ से आए थे ना, टेबल से आए थे। Why did Chetan laugh at the elves? क्यों हंसा था वो? The elves wanted to play with him? नहीं। The elves wanted to eat his notebooks? नहीं। The elves wanted to play with his homework? ये वाला आंसर है ना। अगला क्वेश्चन, What did the elves teach Chetan? उन्होंने उसको क्या सिखाया चेतन को? They taught him how to enjoy doing homework. कैसे अपने होमवर्क को करने में इंजॉय करना है ये सिखाया, है ना। चलो आगे हम लोगों को वोकैबुलरी करनी है। यहाँ देखो ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपके पास बुक है और उसके नीचे ये क्रॉसवर्ड बनी हुई है, इसको फिलअप करना है, उसको पढ़ना है क्लू को और इसको फिलअप करना है, है ना। मैं ये दिखाता हूँ बाकी क्वेश्चन, तो आप अपनी बुक से भी पढ़ सकते हो बेटा, ठीक है, है ना। अपनी बुक से पढ़ेंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है टीचर्स राइट ऑन इट, टीचर्स जो है वो इस पे लिखती हैं। क्या होता है?
ब्लैक बोर्ड। चलो स्पेलिंग लिखोगे बी एल ए सी के बी ओ ए आर डी ब्लैक बोर्ड। ठीक है, टीचर्स राइट विथ इट चॉक सी एच ए एल के चॉक। थर्ड दे कम इन डिफरेंट कलर, डिफरेंट डिफरेंट कलर में आते हैं, क्या होता है क्रेयॉन सी आर सी आर ए वाई ओ एन एस क्रेयॉन्स। इट इज मेड ऑफ वुड एंड क्लोथ, क्या होता है वुड और क्लोथ से बना होता है डस्टर डी यू एस टी ई आर। हो गया नेक्स्ट फाइव वाला, इट रिमूव्स पेंसिल मार्क्स फ्रॉम पेपर इरेजर ई आर ए एस ई आर इरेजर। ठीक है, फिर इट यूज टू मेजर द लेंथ एंड ड्रॉ स्ट्रेट लाइन रूलर, देखो ये बना हुआ है रूलर इसको बोलते हैं ना आर यू एल ई आर। ठीक, अब देखो ये सेवन वाला, इट इज़ यूज टू कीप योर स्टेशनरी, क्या होता है पेंसिल बॉक्स पी ई एन सी आई एल बी ओ एक्स बॉक्स। फिर नेक्स्ट यू राइट ऑन इट नोटबुक एन ओ टी ई नोट बी डबल ओ के बुक। क्लोथ यू वेयर टू स्कूल यूनिफॉर्म यू एन आई। ठीक है यूनि यू एन आई एफ ओ आर एम। अब देखो ये तो हमने बन लिया, अब यहां देखो क्या बना, यहां बन गया क्लासरूम सी एल ए डबल एस क्लास आर डबल ओ एम रूम क्लास रूम बना ना। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ से क्या बना कलर्ड बॉक्स में क्लास रूम कौन सा बना क्लास रूम बोला सी एल ए डबल एस क्लास आर डबल ओ एम रूम यहाँ लिखा हमने उसको। ठीक चलो ये आप लोग करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, इसके आगे का काम करेंगे, इसको आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बेटा, फिर मिलेंगे, बाय।